खबर कोटा से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा परेशान किए जाने के विरोध में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल सिटी एसपी ऑफिस के बाहर शहर कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र त्यागी सहित तमाम कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। रात 2 बजे एसपी अमृता दुहन के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया, तो वहीं मामले की जांच का एसपी दुहन ने आश्वासन दिया है। बता दें कि कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा परेशान किए जाने के विरोध में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल सिटी एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे। वहीं रात 2 बजे एसपी अमृता दोहन के आश्वासन के बाद ये धरना समाप्त किया गया। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा परेशान किए जाने के विरोध में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल सिटी एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे। रात 2 बजे एसपी अमृता दुहन के आश्वासन के बाद इस धरने को समाप्त किया गया, तो वहीं मामले की जांच का भी एसपी ने आश्वासन दिया है। खबर कोटा से है, जहां एक तरफ लगातार पार्टी अपने चुनावी प्रचार में जुटी हुई है, तो वहीं कोटा से लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल कोटा में सिटी एसपी ऑफिस के बाहर बैठे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान किए जाने पुलिस द्वारा परेशान किए जाने के विरोध में वो धरने पर बैठे। खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हरिराज सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर कोटा से जुड़ चुके हैं। हरिराज, कोटा से प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे, पुलिस द्वारा परेशान किए जाने के विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया गया। हालांकि एसपी के आश्वासन के बाद धरना समाप्त भी हो गया, तो क्या है पूरा मामला और क्या कुछ कार्यवाही आगे इस मामले में की जाएगी? बिल्कुल, ये आकांक्षा ये कोटा बूंदी लोकसभा कांग्रेस के ये प्रत्याशी हैं और ये जो प्रहलाद गुंजल रात को ही करीब 12 बजे करीब यहाँ पे जो हाई टोल ये ड्रामा किया था, तो उसको लेकर इनका विरोध यही था कि जो कांग्रेसी जो कार्यकर्ता होते हैं जो उनको जबरदस्ती जो गिरफ्तार किए हैं, इसमें 40 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। इसके विरोध में जो प्रहलाद गुंजल कल रात को 12 बजे के करीब यहाँ पे धरने पे बैठे थे, अब जो 2 बजे करीब जो सिटी एसपी वहाँ पे समझाइश के बाद वहाँ से उठे हैं। अब ये पूरा मामला जो लोकसभा सीट को जो कोटा बूंदी लोकसभा सीट को लेकर ये गहमाता जा रहा है। जी आकर्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरिदास तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि कोटा का ये मामला है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा परेशान किए जाने के विरोध में कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल धरने पर बैठे। वहीं रात 2 बजे एसपी के आश्वासन के बाद ये धरना समाप्त किया गया।